तो 2022 खत्म होने वाला है और इस साल हम लोगों को कई सारी अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक्स देखने के लिए मिली। मैं भी जानता हूँ कि आप लोग भी एक्साइटेड हो कि कौन कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जिनकी डिलीवरीज 2023 में स्टार्ट हो जाएगी और कौन कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो 2023 में लॉन्च होगी। तो आज की डेट में अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर में जाओ तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जा रहे हैं, चाहे वो ओला की तरफ हो, चाहे वो एथर की तरफ से हो, चाहे वो टीवीएस की तरफ से हो या वो सिंपल की तरफ से हो। सिंपल को अभी तक कुछ अपडेट्स नहीं है बोली, पर सिंपल भी दे रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हैं तो मेन रीज़न क्या है? लुक्स। तो जो हमने लिस्ट बना रखी है उसमें हमारा एक मेन क्राइटेरिया उसके लुक्स भी हैं, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है वो नॉट सो इलेक्ट्रिक बाइक वाला लुक दे, कहीं ना कहीं स्पोर्टी सा एक वैसा टाइप का लुक मिले, क्योंकि बाइक इज ऑल अबाउट अ लुक, मानते हो नहीं मानते। तो लेट्स डिस्कस टॉप 5 इलेक्ट्रिक बाइक इन 2023। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, हम सबका चाहिदा अल्ट्रा वायलेट F77। तो बात की जाए अगर अल्ट्रा वायलेट F77 की रेंज की, तो F77 प्रोवाइड करता है 307 किलोमीटर्स ऑफ रेंज इन द सिंगल चार्ज एट द टॉप स्पीड ऑफ 147 किलोमीटर्स पर आवर। टॉर्क की बात की जाए तो वो जनरेट करता है 415 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर खास बात देखी जाए तो अल्ट्रा वायलेट प्रोवाइड करता है डुअल चैनल ABS, और अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो एक्सपेक्ट की जाए 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में होनी चाहिए अराउंड। अभी तो कुछ ऐसा कंपनी ने ऑफिशियली प्राइस अनाउंस नहीं किया, बट कई र्यूमर्स और कुछ लीक्स के कारण हमको पता है कि इसकी प्राइस रफली इसके अराउंड होनी चाहिए। बेस्ट पार्ट जो मुझको लगती है अल्ट्रा वायलेट की वो उसका नॉट सो इलेक्ट्रिक लुक। सो इस लिस्ट में एक और बाइक हो सकती थी, ऑक्सा मैंटिस करके है उसका नाम, बट इस कंपनी ने अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिए, बट इसके जो लुक्स है वो रियली एक कावासाकी निंजा की तरह है। मीन्स जो प्रॉपर जो सबसे अच्छी बात लगती है उसको इन बाइक्स की वो है नॉट सो इलेक्ट्रिक लुक, कि अगर मीन्स वो फील नहीं आई चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक, मतलब ऑब्वियसली साउंड नहीं होगी बट उसकी लुक्स है वो कम्प्लीटली अच्छे लगे उसको। उसकी जो लाइटिंग है वो हैलोजन लाइट, हैलोजन में बोलते हैं क्या बोलते हैं छोड़ो तो देखते हैं वो अभी तक कंपनी कब ने स्पेसिफिकेशन लीक की करती है। बट अगर देखा जाए दोनों की दोनों कंपनीज पिछले 5 साल से अपने प्रोडक्ट के R&D में लगी हुई है, दोनों के दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग है सब कुछ होगी वो इंडिया में ही होगी, दैट्स अ ग्रेट थिंग। पर अगर पर्सनली बताऊँ उसको आज ही मैंने ऑक्सा के बारे में पता चला मुझको, सॉरी माई मिस्टेक, बट इसके लुक्स मुझको ज़्यादा अच्छे लगे हैं, सच बताओ इसका मैं तारीफ नहीं कर सकता बहुत अच्छे लुक्स लगे मुझे उसके। तो टॉकिंग अबाउट द सेकंड बाइक इन द लिस्ट वो है कार्टॉस विद द रेंज ऑफ 180 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज विद द टॉप स्पीड ऑफ 105। मोटर पावर की बात की जाए तो मोटर पावर है 9 किलोवाट, और अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो इसकी प्राइस है अराउंड 1,50,000 to 1,60,000 की अराउंड। टॉकिंग अबाउट द थर्ड बाइक ऑन द लिस्ट वो है इवोक अर्बन क्लासिक। जब मैं इनकी वेबसाइट पर गया था मैं इनकी रेंज चेक कर रहा था, तो ऐसा कोई ARI ऐसे टाइप की कोई नहीं है, बट कंपनी क्लेम कर रही है क्योंकि जो मोटरसाइकिल है वो 250 किलोमीटर्स चल जाएगी। टॉकिंग अबाउट टॉप स्पीड वो है 140 किलोमीटर्स पर आवर, क्वाइट इम्प्रेसिव। और चार्जिंग टाइम मुझको इसका ज़्यादा अच्छा लगा कहीं ना कहीं, तो वो है ये 90 मिनट्स में हो जाएगा 80% चार्ज। ये ऑब्वियसली इन लोगों ने फास्ट चार्जर वाला हिसाब किताब होगा, बट दैट ऑल्सो क्वाइट इम्प्रेसिव, क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि आपका इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा टाइम लगाए चार्ज होने में। प्लस इसका एक और चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगी, इसका ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन तो सबके सब देते हैं पर ये ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, मींस आपकी जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन भी नहीं होगी, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस, ये है मेन। तो बात की जाए इसकी प्राइस की, यहीं पे गेम थोड़ा सा अलग हो रहा है। इस बाइक की प्राइस है 6 लाख रुपीज, ऐसे एक्सपेक्टेड है। अगर इसकी बात इसके लुक की जाए तो इसका लुक प्रीटी डिसेंट है, बट मुझे कहीं इसकी प्राइस कहीं ना कहीं ओवर प्राइस लगी, आई डोंट नो वाई, क्योंकि शायद अभी भी ये R&D में है या क्या, क्योंकि अगर देखा जाए 250 किलोमीटर्स की रेंज है और 140 किसकी टॉप स्पीड है, बट वाई वुड यू पे हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। कहीं ना कहीं कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए, या कंपनी कहीं ना कहीं अपनी जो प्राइस को डाउन करना चाहिए, या कंपनी को ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देने पड़ेंगे। वट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और आपको हमारी वीडियोस पसंद है हिट दैट लाइक बटन एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द बाइक नंबर 4, M Flux 1। टॉकिंग अबाउट द रेंज, इस बाइक ने खास चीज़ की है जो मैं बोलना चाहूँगा, इन्हें 200 का रखा है, मतलब जो बाइक की टॉप स्पीड है वो है 200 और जो रेंज है वो भी है 200।
और ये बाइक भी आई थिंक R&D में चल रही है, तो हम शायद एक्सपेक्ट करेंगे कि अल्ट्रा वायलेट एक नया स्टैंडर्ड सेट कर चुका है 307 किलोमीटर की रेंज देके। मैं पर्सनली थिंक कि ये बाइक भी अगर चाहे तो रेंज बढ़ाए, क्योंकि इस बाइक की भी प्राइस है अराउंड 5.5 to 5.6 lakh। टॉकिंग अबाउट द कूलिंग सिस्टम, इस बाइक में एयर कूलिंग सिस्टम, तो अगर एक और बात बताऊं तो ये बाइक 0 to 100 विद इन 3 seconds चल जाती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा, ये सब कुछ उनकी वेबसाइट से डाटा उठा रखा मैंने। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाइक नंबर 5 वो है ओपन ईवी रॉर। टॉकिंग अबाउट द रेंज, रेंज है इसकी 200 किलोमीटर्स। अब बाइक वाले भी कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ नया स्टैंडर्ड सेट करना है, मतलब अगर कहीं ना कहीं मार्केट में टिकना है, तो उनको 200 से ऊपर देना ही पड़ेगा। जब अल्ट्रा वायलेट 307 की रेंज दे रहा है, टॉकिंग अबाउट द मैक्स स्पीड वो 100 किलोमीटर्स है, और ये बाइक 0 to 40 चल जाती है 3 seconds में। और वहीं हमारी जो एम फ्लक्स 1 थी वो चल जाती है 0 to 100 विद इन 3 seconds। अगर देखा जाए तो ये बाइक कहीं ना कहीं आपको एक अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी एज कम्पेयर टू बाकी की इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी आपको 1,25,000 में, इसलिए इसको रास्ट में रखा था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट अगर आपको और भी ऐसी वीडियोज चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपको क्वेरी है सब कुछ हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और जाते वीडियो को लाइक कर देना। इजिली मैं कंसिडर करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसका एक नॉट सो इलेक्ट्रिक बाइक वाला लुक हो, क्योंकि मेनली बाइक्स में लुक्स मैटर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।